नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पहले तो माफी चाहूंगी आपको, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी आज के वीडियो में, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ठुक ठुक की आवाज आपको बीच बीच में आएगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड हमने अनुपमा का देखा, उसमें आप सबको अब तो मेरी उस वीडियो पे यकीन हो गया होगा जब मैंने पहली बार कहा था कि रोमिल बुरा इंसान नहीं है, वो बदतमीज है, सब कुछ है, मगर वो उसके हालातों ने उसको बनाया है। तो आज वो चेहरा रोमिल का सामने आ गया, उसकी आंखों में आंसू भी दिखे, उसके मन का दर्द भी दिखा, और ये दर्द सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही बाहर लेके आ सकती थी। आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया है, अपने ऑडियोज में इसका जिक्र भी किया है, तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी, मेरा ऑडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपको नाश्ते वाली चाय वाली जो आपको फनी लगी थी, वो मैंने बोली इसीलिए थी कि मेरी बहनों को थोड़ी सी हंसी आए। और जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, वो जानवर ही होते हैं, वो मर्द ही क्या जो अपनी बात अपनी बातों से ना मनवा पाए और थप्पड़ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाएं। अधिक उन्हीं में से एक है, पाखी वाकई में मूर्ख ही है जो कि स्टैंड नहीं ले रही है। इससे अधिक के हौसले और डे बाय डे बुलंद होते जा रहे हैं। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। रोमिल बता रहा था पर पाखी ने इशारे से चुप करा दिया, जो कि अच्छा नहीं किया। इसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा होगा। पाखी, तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि इससे हौसले बुलंद होते हैं। अनुपमा रोमिल से पूछ रही है, पाखी की आंखों से कुछ समझ नहीं आता क्या? रोमिल नहीं बताता और चला जाता है वहाँ से। बरखा बीच में आकर बात को संभाल रही थी, उसमें पाखी ने भी बरखा का साथ दिया। अनुपमा जी, आप दूसरों की प्रॉब्लम समझती रहिए, पाखी का क्या? कितना भाषण दे लेती है ये अनुपमा सच में। अच्छा है अनुज कपाड़िया, आपका दिमाग घूम ही जाए तो अच्छा है। पैकिंग के टाइमिंग के बिना ही सबको भगा दो, मछली बाजार बना रखा है, सच है, हमेशा किचकिच लगी रहती है। उधर शाह हाउस में समर भिंडी सुनकर चला ही था उधर, तब तक डिम्पी आ जाती है। कहा भी गया कि भिंडी बनी है, खाना ले लो, पर नहीं, डिम्पी पर तो बदतमीजी का बुखार जो हमेशा रहता है। खाओ बेटा सैंडविचेस, अच्छा है, भगवान करे तुमको रोटी भी नसीब ना हो। समर बीवी के पल्लू में बैठे रहो छिपे। बलराज को बहुत दुख हुआ, उसने भी खाना नहीं खाया। अच्छा है समर, करो इतनी बदतमीज लड़की से शादी, चलो कर ली शादी कोई बात नहीं, पर उसके इशारों पर नाचना ये कौन सी शराफत है? नाचे हो तो झेलना तो पड़ेगा ही। अनुपमा बहुत प्यार से रोमिल को समझा रही है, कुछ कुछ समझ भी रहा है रोमिल। रोमिल को अनुपमा का प्यार भरा स्पर्श अच्छा लगा। कितना फ्रस्ट्रेशन भरा है रोमिल में, माँ बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, पापा जरूरत के समय थे नहीं, दोस्त हंसते थे, बहुत दुखी है रोमिल सच में। अब समझ आया क्यों इतना एटीट्यूड में रहता है रोमिल। रोमिल ने कहा, जो हूँ जैसा हूँ सामने हूँ, आपके सन इन लॉ की तरह नहीं हूँ, पीछे कुछ और सामने कुछ और, फेक कहीं का। वहीं पर पाखी के फ़ोन ने सब गड़बड़ कर दिया, नहीं तो कुछ पता लगता अनुपमा को। अनुज पार्टी में जाने की तैयारी में है, अनुपमा से बात कर रहे हैं, पर अनुपमा सोच रही है, वो सुन नहीं रही अनुज को। अनुपमा सोच में पड़ी है रोमिल की बातों से। अनुज को अनुपमा ने अधिक का सच बता दिया कि अधिक ने रोमिल पर पानी डाला था, और अधिक के बारे में जो बोला वो भी बता दिया। अब अनुपमा को चिंता हुई पाखी के बारे में, और अनुज भी पाखी की चिंता कर रहे हैं। प्री कैप में देखा, पार्टी कर रहा था रोमिल, और अनुज ने म्यूजिक बंद कर दिया। तो बदतमीजी की रोमिल ने, बोला किसने बंद किया है? सबके माँ बाप को पता है कि पार्टी के बदले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से अनुज ने बोला। किसने अल्कोहल सप्लाई की,
बताओ मैं कंप्लेन करूँगा। तो रोमिल ने धक्का दे दिया अनुज को। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा है कि अनुपमा को पाखी की आंखों में उसका दर्द देख लेना चाहिए था। आज मैं खुद भी इस बात से जरूर आपसे सहमत होती, मगर मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि हो सकता है कि अनुपमा ने सब समझा हो, अनुपमा को डाउट हो कि कुछ तो छुपा रही है, मगर शादीशुदा बच्ची है, एक लड़की है जिसकी गृहस्थी चल रही है, वो अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रही है। मे भी अनुपमा अभी साइलेंट है इस विषय को लेके, वो चाहती है कि पाकी खुद उससे सारी बातें शेयर करे। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर अनुपमा की चुप्पी एक बार तो मुझे भी खली थी। थैंक यू सो मच कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। डिम्पी ने अपने बेरोजगार पति की जेब ढीली कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि काम नहीं है तो कैसे चलेगा, खर्चा कैसे उठाया जाएगा। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बर्तन मंगवा लिए। लेकिन अगर वो एक अच्छी पत्नी होती तो वॉशिंग मशीन को टाल भी सकती थी, कपड़े हाथ से धो सकती थी, फ्रिज भी टाल सकती थी, मगर नहीं, वो तो घमंड और गुस्से में है। उसके चलते उसे समझ ही क्या आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। अपनी गृहस्थी अपने ही हाथों से जला रही है। शागिर्द जो है बरखा की, तो पीछे कैसे हट सकती है। बरखा, अधिक और डिम्पी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। झुकना और नरम होना तो इन्होंने सीखा ही नहीं, ना डिम्पी ने, ना अधिक ने, ना बरखा ने। जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ हो तो उसे समझदारी की बातें कहाँ समझ आएंगी। डिम्पी अपने पति का टेस्ट तक नहीं जान पाई तो वो कैसे दावा कर सकती है उससे प्रेम करने का। इतना टाइम साथ रहकर भी उसने उसे जाना नहीं। रोमिल ने अपना दर्द साझा किया अनुपमा से, ना चाहते हुए भी। ये अनुपमा का प्रेम ही था जिसके चलते ये संभव हो पाया। प्रेम के सामने बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो एक टीनेजर लड़का है जो बुरा नहीं है, मगर उसके हालात बदतर हैं। आते इंसान को अपने परिवेश से मिलती हैं। अगर हम कम पैसों में घर चलाते हैं तो हमें उस तरह जीने की आदत हो जाती है, और अगर हम अमीरी में जीते हैं तो हमें उस तरह की आदत हो जाती है। रोमिल भी अपने हालात के चलते उग्र टाइप का लड़का हो चुका है। अधिक एक कुटिल लड़का है, उसका हौसला पाखी को तंग करके बढ़ चुका है। इनडायरेक्टली पाखी ने ही उसके हौसले बढ़ा दिए हैं। अगर पाखी अपनी माँ को ये सब बता देती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। बाप को भी उसने यकीन दिला दिया था कि थप्पड़ पाखी ने ही मारा है अधिक को। ये सब चीजें मिलकर उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं, इसलिए वो रोमिल को भी तंग करने पे जुटा हुआ है। लेकिन जल्दी ही वो मुंह की खाएगा, क्योंकि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। षड्यंत्रकारी बहन का भाई है और षड्यंत्रों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। थैंक यू सो मच सीमा जी। और बात आपने बहुत सही कही है, बहुत वजन वाली बात है कि जिसमें अहंकार ही भरा हुआ है उसको कहां समझ में आएंगी समझदारी की बातें। बात सही है, क्योंकि अहंकार साइड में होगा, स्लेट साफ होगा, तभी तो चीजें दिमाग में जाएंगी। तो देखते हैं ये कब अहंकार कम होता है, कब इन लोगों को बातें समझ में आती हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुमुद जी थैंक यू, आपको मेरी समर वाली बात पसंद आई तो थैंक यू सो मच। और अंजू जी आज के शो में मैं शाह उससे शुरुआत करूंगी कि वनराज और फैमिली सारे लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते उसे मिस कर रहे हैं। समर को, समर की फेवरेट सब्जी बनी है तो उसे याद किया जा रहा है कि तो समर की फेवरेट सब्जी थी। तो जब समर को नीचे आते हुए देखते हैं तो बात भी जानबूझ के ऐसी करते हैं और समर को बुलाते भी, समर कदम भी बढ़ाते हैं अपने परिवार की तरफ जाने के लिए, पर डिम्पल ऐसा नहीं होने देती, उसे रोक लेती है। और उससे समझ में आता है कि समर अभी भी अपने परिवार से पूरी तरह से टूटा नहीं है। अपने परिवार से उसको आज भी लगाव है, पर वो शौक में, उसने सोचा ही नहीं था कि उस
आपके साथ इतना कुछ हो जाएगा। वो बोल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पाया इसलिए कि वो समझ में नहीं, समझ सही में लगता है कि वो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने मालती देवी क्या जो जॉब किया था तो उसने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, उसके तरीके से सोचा था कि मैं शायद ऐसा करूँगा तो मम्मी की मदद करूँगा। माना, सबने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं समझा इस बात को, उसको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और डिम्पल का प्रेशर भी था, वो डिम्पल से भी गलत तरीके से नहीं बात कर रहा, नहीं फैमिली से, वो अपने आप में दुखी है, उसको कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ दुख सता रहा है ऐसा लगता है। तो अभी आने वाला वक्त पता चलेगा, जब डिम्पल की हरकतें बढ़ते जाएगी तभी समझ में आएगा असली है डिम्पल का असली चेहरा। हाँ, अभी आज मैं पाखी के बारे में बोलूँगी कि पाखी ने वाकई में बहुत गलती की। अनुचित अंजू जी, आपने भी अभी कहा कि पाखी जब खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहती तो अनुपमा चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। पाखी ने अपने, हमने कल जो नया प्रोमो की बात की थी कि दिखाया था कल वो, तो पाखी ने खुद कहा था कि मैं अधिक का साथ नहीं छोड़ूंगी, अधिक ने मुझे समझा, मैं अधिक को समझूंगी। तो अनुपमा समझाती है कि वो बदसुलू की है अधिक की, पर पाखी नहीं समझना चाहती, नहीं सुनना चाहती। वो अपनी मम्मी को भी जवाब दे जाती है कि आपने भी तो रिश्तों को संभालने की कोशिश ही की, पर पाखी को कब समझ में आएगा। उसने अनुपमा का उदाहरण जरूर रख दिया कि उसने भी सहन किया, पर उसे क्या किंजल की किंजल का उदाहरण उसके सामने नहीं था, क्योंकि किंजल की बात उसको समझ में आती कि किंजल ने भी तो कभी बर्दाश्त नहीं किया, उसने तुरंत वो अपने लिए स्टैंड लेती थी, उसने कभी भी तोशु को की कोई भी जातियाँ बर्दाश्त नहीं की। शुरू से उसने तोशु को, जब वो अपने काम में व्यस्त रहता था, किंजल की तरफ ध्यान नहीं देता था, बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था, जो भी था, तो हमेशा किंजल उसे जवाब देती थी, उसको कभी भी ऐसा करने नहीं दिया। और जब उसके साथ धोखा किया तब तो किंजल पूरी तरह से चेंज ही हो गई थी, उसको छोड़ देने के लिए भी तैयार, डिवोर्स भी। तो क्या यह उदाहरण समझ में नहीं आता है पाखी को? पाखी गलत कर रही है, सच में गलत कर रही है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत भी सामने खड़ी करेगी अगर ऐसी सहन करेगी तो, क्योंकि उससे लगता है कि वो अपनी मम्मी को, बड़ी को या अभी किसी और को इतनी परेशानी में और अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती, पर ये गलत है। ये परेशानियाँ और बढ़ाने वाला है काम कर रही है पाखी, क्योंकि अभी पूरी तरह से बरखा और अधिक के समझ में आ ही गया है कि पाखी कितनी फुल है। उसको ये लग रहा है कि अपनी माँ की तरह इमोशनल फुल है ये, तो ये रिश्ते बचाने के चक्कर में। पर ये दोनों, जब अनुज धमकी दे रहा है कि तो इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया मेरे घर में तो तुम्हें यहाँ से निकलना जाना ही होगा, मैं तुम्हें सामान पैक करने का भी मौका नहीं दूंगा, तो क्या ये ऐसे जाएंगे? और अगर बोल भी दिया, अनुज ने कह भी दिया और अनुपमा चाहते भी होंगे कि अब ये नहीं रहना चाहिए यहाँ, तो पर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अधिक घर से जाएगा तो पाखी भी जाएगी ना, क्योंकि पाखी चाहती नहीं है कि अधिक को छोड़ दे, पाखी भी जाएगी। तो कैसे इस राक्षस के साथ अपनी बेटी को अनुपमा ऐसी अकेले छोड़ दे? नहीं छोड़ पाएगी। और यही कारण तो इन लोगों को यही सब चाहिए, तो इस टाइप से ये सच में इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे पाखी को और इससे अनुपमा को। अब देखते हैं पर अनुपमा कैसे हैंडल करती है। रोमिल की भी बहुत ही बदतमीजियाँ जो रिकैप में दिखाया, पर पाखी को लेके एक बात मुझे याद है अंजू जी, मैं एक बात शेयर करूँगी। परसों के दिन की बात है, मैं अपनी छोटी ननन के उसकी सास के 13वीं में गई थी, तो वहाँ पे मेरी बाकी के रिश्तेदार भी बैठे थे, तो उन लोग आपस में बात कर रहे कि उनके गांव में एक किसी एक लड़की के साथ भी ऐसे ही घरेलू हिंसा होती है, सास ससुर पति बहुत परेशान करते हैं, बच्चे नहीं है उसे तो बहुत परेशान करते हैं, पर माँ बाप, इनका माँ बाप कुछ तो बोले, माँ बाप भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। तो मैंने कहा पर वो क्यों से कह रही क्या? मैंने कहा तो फिर उसी उन लोगों की बातें चल रही थी आपस में, तो मैं सुन रही थी सिर्फ पहले चुपचाप। तो उसमें से मेरी एक मंजली नंदन है, उन्होंने कहा कि मुझसे एक बार वो लड़की ने मिली तो मुझसे उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ दीदी, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मैं क्या करना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी नंदन ने जवाब दिया कि कुछ मत करे, तू यहाँ छोड़ के, तू तो तुझे रहना तो इसी घर में है ना, तो फिर उनके खिलाफ़ जाके क्या करेगी तू, जब यही रहना है तो उनके खिलाफ़ भी मत जा, कुछ मत करो, सिर्फ चुप रहो। मुझे इतना बुरा लगा अंजू जी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने बोल दिया,
बड़े हैं मुझसे, पर फिर भी मैंने कह दिया कि ये कितनी बड़ी गलती करके आए, कितनी बड़ी गलत सलाह दी उस लड़की को। जब उसने खुद होके तुमसे सलाह मांगी, पूछा, तो तुमने उसे बताना चाहिए था कि क्यों ये सहन कर रही हो, क्यों नहीं सहन कर रही हो। जरूर नहीं, अगर मैंने कहा, फिर मैंने पूछा कि वो लड़की क्या पढ़ी लिखी नहीं है, तो बोले हाँ वो पढ़ी लिखी है। मुझे पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी नहीं है, तो अब तो उसके पास कोई मजबूरी भी नहीं है उसका उस घर में टिके रहना। अगर बच्चे होते तो समझते कि एक माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चे के भविष्य के लिए माँ सब बर्दाश्त करती है। पर जब वो ऐसे अभी कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्यों सहन कर रही हो? पढ़ी लिखी है तो नौकरी कर सकती, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे तो किस लिए नहीं दे रहे, क्यों दे रहे? ज़रूरी भी नहीं है ना कि अब वो पढ़ी लिखी है तो जॉब करेगी, किसी पर बोझ भी नहीं बन सकती है। तो ये गलत है, मैंने कहा आपने गलत सलाह दिया, इस टाइप का तो बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे इतना बुरा लगा। उसके बाद फिर उन लोगों की और भी दूसरी बातें चली थी कि बोले नहीं भाभी, ये तो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा बहुत से हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उन्होंने एक और केस मुझे बताया कि दो लड़कियाँ हैं, उस लड़की को दो लड़कियाँ हैं और पति बोलता है कि तुम्हें लड़का नहीं हुआ तो मैं तो उसने ना सीधे किसी और लड़की से शादी कर ली, इसलिए और बिना इसको डिवोर्स दिए शादी भी कर ली, कहती है कि तुम्हें लड़का लड़का नहीं हो सकता इसलिए। तो मुझे इतना, मैंने कहा यो सुन के भी इतना आश्चर्य लगा कि आज स्कूलों में भी, शायद 10th क्लास से, हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि लड़का या लड़की होना कभी भी किसी लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो लड़के के पति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसे बोल सकता है? हम जब 10th 12th क्लास से ये सब पढ़ते आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते, कैसे उस पर जिम्मेदारी कर सकते? इतनी बड़ी, इतनी घटिया हरकतें कोई कैसे कर सकता है? तो मुझे वो बात भी बहुत बुरी लगी। मैंने कहा फिर वो उस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसके पति ने जाकर दूसरी शादी की तो अलग, वही क्या वो दो लड़कियों को लेके कहाँ जाए? तो ये सच में आज भी समाज में, हम कहते हैं ना कि ये आज भी ऐसा हो रहा है। हम अगर कहीं सुनते हैं तो हम बोलते हैं आजकल ऐसा नहीं होता, नहीं आजकल आज भी ऐसा ही हो रहा है। और ये घर, और आज पाखी ने, पाखी के पास ही आ रहा कि पाखी जो गलत कर रही है ना, ये गलत एग्जांपल सेट कर रही है। पाखी अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो किसी और को क्या? आज घर घर में अनुपमा सीरियल देखते तो मुझे लगता ये दिखाना चाहिए कि पाखी ने स्टैंड लेना चाहिए कि वो नहीं सहन करेगी अत्याचार, नहीं करेगी सहन, और उससे स्टैंड लेना चाहिए। तभी तो ये सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है समाज में। बट डर के और अपने प्यार है ये है उसके चक्कर में क्यों किसी को बर्दाश्त करे? आज मुझे ये बात शेयर करना जरूरी लगा था अंजू जी, शायद शो से रिलेटेड नहीं है पर भी शो में जैसे औरत की कहानी दिखाती है तो मुझे ऐसा लगा अंजू जी, तो मैंने ये बात शेयर की। शायद ये सब जो भी जितने भी सुन रहे होंगे शो को, तो शायद उनको भी ये बात समझ में आए। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म ही है जो मैं अपने दिल की बात बोल सकी, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। मैंने तो कहा ही था कि हम इधर उधर अगर देखें तो कई सारी ऐसी औरतें हमें दिखाई देंगी, ऐसी बच्चियां दिखाई देंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं। आपने भी अपने ऑडियो में शेयर किया है तो मैंने भी किया था, और सबके पास ऐसी एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि जब तक एक फीमेल अपने लिए खड़ी नहीं होती है कोई उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक पहला स्टेप नहीं वो उठाएगी पीछे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो उसी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। इसलिए अनुपमा धारावाहिक हम सबको पसंद भी आता है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपकी शेयरिंग के लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी प्यारी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपके दोनों ऑडियो वीडियो देखे कि पहला पाखी की मदद नहीं चाहकर भी अनुपमा मदद नहीं कर पाएगी, और दूसरा रोमिल को बचाएगी अनुपमा अधिक के गंदे इरादों से। उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा था। मैम आज के धारावाहिक से जो मुझे समझ में आया वो मैं बताऊँगी। आपके पहले वीडियो में आपने जो एग्जांपल दिया कि आप किसी की मदद करने चाहते हैं तो आस पड़ोस के वाले हो या कोई रिश्तेदार हो, और वो लेडी जाके वहाँ पे बदल जाती है अपने परिवार वालों को देख के कि ऐसा सब चलता ही रहता है। शायद इसी तरह का पाखी के साथ में हुआ है। और मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक से मुझे पहले ये समझ में आया कि रोमिल को बहुत ज़्यादा उकसाया अधिक ने, उस पर पानी वगैरह डाला, तब रोमिल बोल देता है कि आप सब लोग मुझे बदतमीज़ कहते हो, लेकिन आप इसको देखो ये डबल फेस वाला इंसान है,
और ये क्या कर रहा है आपकी बेटी के साथ में, ये देखो। अनुज अनुपमा शॉक हो गए और वो पाखी ने इशारा किया तो वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया रोमिल। उसके बाद में अनुपम अधिक को पूछते हैं अनुज, तो बरखा बीच में बोलना मैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनुज चाहते तो बरखा को टोक सकते थे कि बरखा भाभी मैंने अधिक से पूछा है तो अधिक ही जवाब देगा, लेकिन अधिक बरखा ने उससे बोल दिया कि ये कुछ भी बोलता रहता है ऐसा है। और बाद में उन दोनों के बीच में जानबूझ के मुझे लगा है कि वो लोग लड़ने का वो करने लगे ताकि अनुज टेंशन में आ जाए, लेकिन अनुज ने आज बहुत ही कड़े शब्दों में इन लोगों से कह दिया कि मेरे सब्र का इंतहा मत लो वरना मैं आप लोगों को पैकिंग का भी तीनों को टाइम नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने मुझे ये समझ में आया है कि शांत इंसान को आप बहुत ज़्यादा उसके जख्मों को कुरेदेंगे तो वो कभी ना कभी आप पे गुस्सा होगा ही होगा। दूसरा, रोमिल को प्यार की ज़रूरत है, उसे पैसे वगैरह की अब एक आदत पड़ गई है कि उसको पता चल गया है कि उसके पापा की कमी क्या है तो वो उसके पैसे का ही सिर्फ फ़ायदा उठाएगा। लेकिन रोमिल ने को प्यार की ज़रूरत थी बचपन में जब, तब उसे तो इस बात से मुझ उसे प्यार नहीं मिला, तब इस बात से मुझे ये सीखने को मिला कि बचपन में बच्चों को माता पिता के साथ और प्यार की ज़रूरत होती है, ना कि महंगे खिलौने महंगे गिफ्ट वगैरह की, या न, स्कूल में फीस भर देना है, वो सब सिर्फ ऐसे ही फॉर्मेलिटी की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है। फिर चौथा, थोड़ी सा अनुपमा ने प्यार से सीखा समझाया रोमिल को कि अपना थोड़ा बहुत काम अपने हाथों से करना चाहिए क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी के उस पर रहना ना पड़े। तब रोमिल ने कह दिया कि मैं आपके सन इन लॉ की तरह नहीं हूँ और मेरा डबल फेस नहीं है, मैं मुझे ना किसी के साथ की ज़रूरत है ना किसी की सहानुभूति की ज़रूरत है। पर फिर भी वहाँ पे भी पाखी आ गई। आप सब लोगों को अभी लग रहा है कि पाखी अधिक का जुल्म सह के गलत कर रही है, मुझे भी यही लग रहा है पाखी गलत है, लेकिन अभी पाखी ये समझ रही है कि अधिक सुधर चुका है। और अधिक जब वो दोनों अकेले रहते थे तब पाखी जो गलतियाँ करती थी उसमें अधिक उसको समझा कर और प्यार से अपनी तरफ से वो कर लेता था, लेकिन पाखी आप गलत हैं। आप सबको एक एग्जाम्पल याद होगा कि जब बा ने कुछ पैक करके अनुपमा को देने के लिए दिया था अधिक को, अनुपमा ने अधिक को दे भी दिया और वो पाखी को जिस वक्त डांट रही थी उस समय अधिक पीछे से मुस्कुरा रहे थे कि मैं इन हालातों में भी पाखी के साथ रह रहा हूँ। तो उसकी तो मंशा यही थी, सबके सामने दिखावा ही था उसका कि मैं अभी बहुत सुधर चुका हूँ, लेकिन उसकी मंशा यही थी कि वो कैसे भी करके कपाड़िया हाउस में आ जाए, फिर वो अपने असली रंग में आ ही जाएगा। अब तो उसको बरखा की शह है। और बाद में शाह परिवार में सब खाना खा रहे हैं। समर के लिए उन लोगों ने भिंडी कुरकुरे भिंडी की सब्जी अलग रखी है, डिम्पल ने उसे खाने नहीं दी। डिम्पल उसी समय ये लोग देते हैं उसी समय आ जाती है, नहीं मुझे हम नहीं खाएंगे अपनी आपकी भिंडी वरना आप चार बात सुनाएंगे। मैम मैंने कल अपने ऑडियो में बताया था कि इसके पास कुबेर का खजाना है डिम्पल के पास, तो वो मैंने इस बात से कहा था कि आप सबको याद होगा कि समर की शादी के समय में डिम्पल उछल उछल के बोल रही थी कि हमें तो अनुज सर का 10 लाख का लोन भी चुकाना है। तब वनराज ने वो पैसे गुस्से में दे दिए थे डिम्पल को वापस, या अनुज को दे देना पैसे की लालची। डिम्पल ने अनुज को बताया भी नहीं होगा उन पैसों के बारे में, पैसे की लालची। डिम्पल ने उन पैसों के बारे में बताया भी नहीं होगा अनुज को और वो पैसे भी अपने पास में ही रखे होंगे। और दूसरा, पगफेरे के समय में अधिक अनुज ने उसे बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, अभी तो वो समर की सेविंग्स में उछल रही है। फिर जब किस्त भरने का समय आएगा तब भी जब तक समर से निकलते होंगे पैसे दे बताएगी, बाद में बताएगी कि मेरे पास में ये सब पैसे पड़े हुए हैं। समर
आज अपने परिवार की तरफ झुकना चाहते हैं लेकिन नहीं जा झुक रहे, और आप सबको समर शायद गलत लग रहे हैं, अनुपमा भी गलत लग रही है कि अनुपमा ने गलत लड़के से शादी करवा दी। अनुपमा अगर शादी नहीं करवाती तो मैम शायद हो सकता था कि समर भी तोशु और पाखी की तरह भागकर ही शादी करते। और कल किसी के ऑडियो में भी था कि नंदिनी परिवार के कलेश की वजह से समर को छोड़ के चली गई, तो अब उसे ये लग रहा है, समर को एक अंदर से डर लग रहा है कि ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। शायद इसीलिए समर अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो उन्हें शायद मालूम भी है कि ये गलत हो रहा है लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो सब लोग उसे बोलेंगे कि हमने तुमको पहले ही बोला था कि ये गलत है, और समर को मैंने पहले भी कहा कि समर को बचपन से ही ये तुम गलत हो, तो उसे इस बार भी यही लगा होगा कि इस बार भी सब मुझे गलत गलत बोल रहे हैं। बचपन में समर सही होते हुए भी सब उसको गलत ही बोलते थे, तो वही अब उसके दिमाग से धीरे धीरे निकलेगा। और कल के बारे में आपने दूसरे अपने वीडियो में बताया कि पार्टी में शराब आती है और अनुज को धक्का देता है रोमिल, और ये सब काम अधिक और बरखा ने ही किया होगा। मैम ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये शराब वगैरह लाना पर अनुपमा को पता है तो अनुपमा रोमिल को बचा ही लेगी, क्योंकि अनुपमा को अधिक के बारे में थोड़ा बहुत शक हो ही गया है, और वैसे भी उसने पानी रोमिल के ऊपर गिराते हुए देख ही लिया था। एक बात में आज अनुपमा मुझे गलत लगी, जब उसने कल के ही एपिसोड में अनुज से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, हमारे पर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, हम कितने भी टेंशन में हो, लेकिन हम कुछ पल अपने लिए निकाल ही लेंगे, तो अपने लिए अनुज निकालना चाहते हैं। तो पार्टी में जाने के समय अनुपमा उसे बता रही है कि ये रोमिल ऐसा है और अधिक ने इस तरह से उसके साथ बिहेव किया था, लेकिन रोमिल को किसी का प्यार नहीं मिला है तो वो गलत नहीं है, पहले पिता का प्यार नहीं मिला, अब माता मम्मी का नहीं मिल रहा है, और उसे सिर्फ पैसे देकर ही समझाया गया कि बस मैं अपनी जिम्मेदारी से सटक गए भाई। अब अनुज को कड़े फैसले लेने चाहिए मैम मेरे हिसाब से, कि इन लोगों को कह देना चाहिए कि आप अपनी फैमिली अलग बनाओ, और जहाँ तक ये भाई बहन या अंकुश अनुज की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं तो मेरे हिसाब से कज़िन का कोई हिस्सा नहीं होता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, और डेफिनेटली आप बहुत ही अलग तरीके से चीजों को सामने रखती हैं। सही बात आपने निकाली है कि वो 10 लाख रुपया शायद वही ही होगा, क्योंकि मैंने तो कहा था कि जमा पूंजी या कुछ भी हो सकता है, मगर आपने बराबर पकड़ा है कि वो 10 लाख रुपया नहीं दिया होगा डिम्पी ने अनुज को, क्योंकि समर के नाम से था, कुछ तो हुआ था, मैंने भी देखा था वो एपिसोड की, उसमें वनराज ने चेक दिया था कि जाओ जाके वापस कर दो अनुज को, तो देखते हैं, क्योंकि है तो कुछ ऐसा ही गपला, नहीं तो इतने पैसे कहां से आ गए। मालती देवी तो देने वाली थी नहीं, क्योंकि उसने तो अपना जो काम किया उसका नहीं हुआ, उसने अपनी जो है बोरी बिस्तरा बांधा और चली गई, कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मालती देवी का ट्रैक अब आता दिखाई नहीं दे रहा है। खैर आपका ऑडियो अच्छा है और प्रोस्पेक्टिव भी आपका अच्छा है, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा आपने कि आज समर खाना नहीं खा पाया और वो कोल्ड सैंडविच वो उसे खाने पड़े, लेकिन ये एक बात भी सही हुई कि उसने कहा डिम्पी से कि डिनर में सैंडविच कौन खाता है, लेकिन वो कहती है आज के दिन मैनेज कर लो, कल मैं खाना बना दूंगी, अभी हमारा किचन सेटअप नहीं हुआ है। खुद तो मजे से खा रही है लेकिन समर नहीं खा पा रहा, और यही देख के वनराज और पूरे परिवार को दुख हुआ, और वनराज ने भी खाना नहीं खाया, उसने भी
जो निवाला अपने हाथ में लिया वो फिर से रख दिया और थाली को आगे करके उसको प्रणाम कर दिया। उसने कैसे खा पाएगा एक बाप जब उसका बेटा सूखा रूखा सूखा कुछ खा रहा है और रूखे सूखे ब्रेड से किसी का पेट नहीं भरता है। कितने प्यार से किंजल भी कहती है कि ले लो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है खा लो खाना, तब भी वो अक्कड़ दिखा रही है। किस बात की इसको अक्कड़ है वो नहीं पता, लेकिन आपने सच कहा अंजू जी कि एक न एक दिन ये लड़की झुकेगी, साहब परिवार के आगे झुकेगी। लेकिन आज समर की हालत सच में बहुत ही बुरी है। लेकिन समर और जितनी देर करेगा उतने ही डिम्पी के हौसले बढ़ेंगे और ये समर के लिए सही नहीं है। उसे कुछ तो स्टैंड लेना ही चाहिए। लेकिन ये बात तो सच है कि साहब परिवार में भले कितने भी ड्रामे हुए हो झगड़े हुए हो लेकिन फिर भी एक साथ है। कोई भी तीज त्योहार हो सब मिलके मनाते और मिलकर सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते। और आज भी उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा बेटा अलग हो गया है, लेकिन आज भी वो लोग यही चाहते कि ठीक है। तुसु तक बोलता है कि आज तो कुरकुरी भिंडी बनाई है तो समर को पसंद है। जैसे वो आगे बढ़ता है आ गई डिम्पी ड्रैगन, लेकिन बहुत पछताएगा समर। और आपने कहा अंजू जी कि चाहकर भी अनुपमा पाखी की मदद नहीं कर पाएंगी कर पाएगी तो कैसे करेगी अंजू जी? पाखी खुद ही उस गड्ढे में गिरना चाहती है जबकि उसे पता है कि अधिक जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और वो भी सह रही है वो भी गलत है, लेकिन फिर भी उसे अधिक का ही साथ देना है। और आज तो सच में अधिक ने हद ही कर दी और पाखी ने भी, कि जब हम कल ही बताया था सब लोगों ने वॉइस में और आपने भी कहा था कि बरखा बात घुमा देंगी और आज वही हुआ। बरखा ने बात घुमाई कि ये झूठ बोल रहा होगा, हो गया होगा दोनों पति पत्नी का कुछ भी बहसबाजी इसलिए ये ऐसी कह रहा है। लेकिन फिर भी अनुपमा के मन में वो बात घर कर चुकी है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन आज अनुज ने बहुत अच्छा काम किया कि सबको बता दिया कि ये आखिरी बार है, आपको समझाना है भाई तो अपने बेटे को समझा दीजिए, नहीं तो अगर तुम भी अगर मेरे भी सब्र की एक लिमिट है, जब तक मैं सहन कर रहा हूँ तब तक सहूंगा, लेकिन जब मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बैक पैक करने का भी मौका नहीं दूंगा और इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल सही अनुज ने जो कुछ कहा, वेल डन अनुज, सच कहा अनुज ने कि आज तक हर बार इन सबकी गलतियां माफ करते आए इसीलिए आज इन लोगों की इतनी हिम्मत भी बढ़ चुकी है कि वो लोग उन्हें लगता है कि अनुज कुछ नहीं कहता इसलिए वो कमज़ोर है। लेकिन ना अनुज कमज़ोर है और ना ही अनुपमा। जिस दिन अनुज के सब्र का बांध टूटा उस दिन उसका भी रौद्र रूप ये लोग देखेंगे। वो पहले भी इसी सब वजह से परेशान था जब वो अपना फैसला सुनाने वाला था राखी के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन जब उसने पूजा रखी थी परी के लिए और छोटी के लिए, तभी वो अपने भाई को बताना चाहता था फैसला सुनाना चाहता था। लेकिन उस टाइम वनराज मिलने के लिए बुलाता और वो हादसा हो जाता है दोनों के साथ। लेकिन इंसान भी आखिर में थक ही जाता है, कब तक माफ करेगा। लेकिन गलती पाखी की है, उसने ही कहा था ना कि जब पति पहला थप्पड़ मारता है तो पति की गलती है लेकिन जब दूसरा थप्पड़ मारता है वो पत्नी की होती है। लेकिन पाखी ने कहा था कि मैं ना तो सहन करूंगी और ना ही तुम्हें मेरे साथ गलत करने दूंगी,
आज वो पाखी कहाँ गई? आज तो खुद ही अपनी मम्मी को कह रही है, जो न्यू प्रोमो में भी दिखाया गया है कि अधिक ने तुम पर हाथ उठाया, तब कहती है हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है। जब मैं ऐसी थी तो मैंने सा उसने मुझे संभाला था, अब मैं उसे संभालूंगी। तब वो कहती है कि अनुपमा कि तुम जो करती आई हो वो बदतमीजी थी, और वो करता है वो बस सलूकी है, और ऐसे में अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। तब पाखी कहती है कि मम्मी आप तो रिश्तों के ऊपर मुझे कुछ कहिएगा ही मत, आज तक आप अपने रिश्ते और परिवार को, जब खुद की बेटी अपनी माँ को कहती है कि आपने अब तक अपने रिश्ते और परिवार को संभाल दी तो रही है, लेकिन मैं अधिक को फिर मौका देना चाह, मैं अधिक के साथ ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, तो किस तरह से अनुपमा अपनी बेटी को बचाए। लेकिन आज अनुज अनुपमा की जो भी बातें हुई उसमें एक बात तो उसे भी याद आई बाद में, उसने कहा कि अधिक ने जानबूझ के पानी फेंका था। तब वो कहता है अनुज कि तुमने उस टाइम बताया क्यों नहीं, लेकिन वो झगड़ा शुरू हो गया तो मैं कैसे बताऊँ। इसलिए अब मुझे भी लग रहा है कि अधिक सबके सामने अलग है, और ऐसे दूसरे अधिक के दो चेहरे हैं, सबके सामने अलग और बाद में अलग। और आज जो रोमिल और अनुपमा की बातें हुई, सच में बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा ने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ नया है, परिवार के साथ रहना नया है, क्योंकि तुम कभी रहे ही नहीं हो, इसलिए मुश्किल है पर कोशिश करनी पड़ेगी। सच कहा उसने अनुपमा ने कि तुम कॉलेज जाओगे, वहां पे भी नए दोस्त बनेंगे, तुम्हें भी उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो परिवार में भी रहने के लिए तुम्हें एडजस्ट करना होगा और कोशिश भी करनी पड़ेगी। जैसे तेरे पापा तब कहता है कनेक्शन है, मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे पापा नहीं है। जब उन्होंने पापा होने की कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई तो वो मेरे पापा कैसे हुए? मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन ये कैसे पापा है? सिर्फ गिफ्ट और फीस भरने से कोई पापा नहीं बन जाता। जब भी पेरेंट्स मीटिंग रहती थी, स्पोर्ट डे होता था, कुछ भी होता था, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, और मेरे दोस्त और मेरे सभी मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पापा एक मिस्ट्री मैन है। जिस बच्चे के मन में इतना कुछ है वो कैसे कैसा होगा जिसे अपने माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला? और बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए, एक समान चाहिए, लेकिन उसे वो मिला ही नहीं। मम्मी थे तो पापा नहीं थे, अब पापा है तो मम्मी नहीं है, और ये दर्द अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है, जो आज उसने बताया कि 25 साल तक मैं भी उस घर में शादी करके गई, लेकिन मैं भी अकेली ही महसूस करती थी खुद को, मैं अलग ही रही, और इसीलिए आज अनुपमा रोमिल का दर्द भी समझती है और अनुज भी अब समझ रहा है। जैसा अनुज ने कहा पाखी के बारे में भी कि हाँ मैंने भी जब लैपटॉप टूटा तब पाखी एकदम डर गई थी, मैंने भी वो नोट किया, लेकिन फिर जो बातें हुई उसके बाद उसने वो भी बात मुझसे भी इग्नोर हुआ, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ हैं तो हम देख लेंगे। अब कल का प्रीकेप भी देखा, अब देखते हैं आगे क्या होता है, दोनों पार्टी से आते हैं और देखते हैं घर में क्या है। और आपने सही कहा, ये सब सारा किया धरा बरखा और अधिक का ही होगा। अंजू जी देखते अब क्या दिखाते हैं कल। थैंक यू सो मच अंजू जी, और मैंने क्या कहा प्लीज उस पर आप राय दीजिएगा, और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते,
और आपको भी अंजू जी मेरा प्यार भरा नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के कुमुद जी के, महिमा के, मनीषा जी के, आप सबके वॉइस, पब्लिक वॉइस बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने, जब खुद ही कोई खड्डे में गिरना चाहता है तो कैसे कोई बचाएगा, बचाने की कोशिश भी बेकार हो जाती है, क्योंकि जब गिरने वाला खुद जोर पूरा नीचे की तरफ लगा रहा है और खड्डे में गिर रहा है तो कैसे आप खींचोगे, कैसे बचाओगे। तो बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सादर प्रणाम हमारी प्यारी दीदियों को, हमारी प्यारी सहेलियों को, अंजू दीदी आपको भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपने मन की बात शेयर करने के लिए सबसे सबसे ज़्यादा थैंक यू। अगर आप नहीं होती, हमारी प्यारी सहेलियां नहीं होती, तो बड़े बड़े गाइडेंस नहीं मिलते और सही सही सलाह नहीं मिलती, इसलिए सो थैंक यू फॉर एवरीवन। और आज कहना चाहती हूँ अनुपमा के बारे में, अनुपमा शो के बारे में। सच में मैम कहने लायक ये प्रोग्राम है, और कुछ सीखने भी मिलता है, कुछ नहीं सीखने भी मिलता है। पहली बात सीखने ये मिला है आज कि एक माँ बेटी का कनेक्शन सही होता है, लेकिन माँ जब वो माँ के बारे में इस तरह की बातें बोलती है, माँ से छिपाती है, बेटी जब बात छिपाती है तो ये गलत है, बाकी को बताना चाहिए। अगर वो सहती रहेगी तो बाद में इतना बड़ा टॉर्चर हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगी। अगर अभी बता देगी तो अनुज और अनुपमा कुछ भी कर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और अच्छा किया अनुज ने जो वार्निंग दिया कि संभल जाओ, नहीं तो पैकिंग करने का भी मौका नहीं दूंगा, सीधा घर से बाहर फेंक दूंगा। तीनों को वार्निंग किया है, तीनों में मतलब इसमें अंकुश भैया भी शामिल है, बरखा अधिक भी शामिल है, क्योंकि पाखी को वो नहीं निकालेगा, जानता है कि पाखी इस घर की बेटी भी है और बहू भी है, और वो जानबूझ के सबके सामने और खासकर वनराज के सामने जानबूझ के कहता है कि उस घर की बहू है, लेकिन मानता वो बेटी ही है, और जान से ज़्यादा वो पाखी से ज़्यादा प्यार करता है, जैसे अनु से करता है वैसे पाखी से भी प्यार करता है। और अब अनुज के नज़र में आएगा कि मेरे ही घर में, मेरे ही सामने पाखी के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो वो बाद में तकलीफ होगा। और मुझे आज एक चीज़ रोमिल में महसूस हुआ है, वो इतना गलत नहीं है। जो बच्चे इतना, और ये बात आपने सही कही कि जो बच्चे हमेशा सुनते आते हैं, हमेशा जो मेन माँ बाप के रहते हैं, उन्हें वैसा वेल मेंटेन बोलते हैं ना कंडीशन, वैसा नहीं मिल पाता है जो अपने माँ बाप उसे दे पाते हैं। आपको तो मैंने खुद ही कहा था कि मुझे भी इस तरह का रिएक्टेशन हुआ था, मैं भी चिड़चिड़ बहुत हो जाती थी, लेकिन उसने सपोर्टर मेरी नानी थी, समझाती थी बेटा ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना। तो यही चीज़ रोमिल के साथ जायज़ है कि उनके ना उनकी मॉम उनका सपोर्ट कर पाई ढंग से, और ना उसके डैड, क्योंकि डैड इधर में थे, बरखा का टॉर्चर सहन कर रहे थे, बरखा की हर बातें मान रहे थे, क्योंकि सारा उनकी बेटी है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान थे इधर के कारण। लेकिन उनकी माँ को ये सोचना चाहिए, एक सिंगल पेरेंट्स होकर, एक सिंगल मॉम होकर उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपने बेटे के अंदर संस्कार तो डालती। हर प्रोग्राम में, हर मैच्योरिटीज़ में दिखाया जाना चाहिए कि एक माँ, अगर ये प्रोग्राम अनुपमा के नाम पे है तो उसमें माँ है। माँ शब्द का मतलब ये होता है कि सारी जो माएँ हैं उन्हें ये चीज़ दिखाना चाहिए कि अपने बेटों में संस्कार डालें, प्यार डालें, एक्टिविटी डालें। लेकिन इधर ना बरखा सारा के लिए ध्यान रखती है, और ना बरखा ध्यान दे पाती है, और अनुपमा ध्यान देते देते भी उनके बच्चे ऐसे हैं कि कभी कभार लिमिट से बाहर हो जाते हैं। और मालती मैम का तो पता नहीं क्या हरकत है, मतलब रूमा के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि कौन उनका अपना बच्चा है कौन नहीं है, आई डोंट थिंक। लेकिन सिंगल पेरेंट्स में उन्हें राइट होना चाहिए कि बरखा के कारण वो फंसे तो सिंगल पेरेंट्स को संभालना चाहिए। सिंगल वुमेन क्या नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छा संस्कार दे सकती है, लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया। रोमिल का जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया गया कि वो बोलता है कि मेरे पर्सनल मामले में आप मत घुसिए, अनुपमा प्यार से टेकल कर रही है, क्योंकि वो जानती है उनके तीनों बच्चे इतने मिच्योर्ड हैं, इतना समझदार हैं,
कि उन्हें संभाली है, उनके हर चिड़चिड़े को भी महसूस करी है, उनके हर मेचुरेशन को भी देखी है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी, और तो और अनुज अनुपमा थोड़ा सा खुशी बाहर ढूंढ कर क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा हैप्पी क्या हो जाते हैं, फिर आते हैं घर में, फिर वही मोटिवेशन मिलता है। क्या गॉड 100% तनाव और 50% प्यार, कम से कम कभी कभी 100% प्यार दिखा दो, 50% तनाव दो, तो समझ में आए। आप तो हमेशा उल्टा ही करते हैं, हमेशा अनुपमा और अनुज के लिए, तो प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि वो लोग हंसे। और सबसे ज़्यादा मैम आज मुझे तकलीफ़ हुई डिम्पल को, किचन का सामान सेटिंग नहीं कर पाई, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे आटा और चावल तो मंगा ही सकती थी, सब्जी मंगा सकती थी, पर काम कौन करेगा, बनाना पड़ेगा, मसाले डालने पड़ेंगे, आटा उसलना पड़ेगा, तावे पे रोटी सेकनी पड़ेगी, इसीलिए समर को बेचारी को सैंडविच खिलाकर बात ख़त्म कर दी। बेचारे उनके माँ बाप बा बापू जी भी बोल रहे हैं, प्लस केंजल भी बोल रही है कि खाना बना हुआ है आप लोग खा लो, तो भी मैचरोमेटिक नहीं है। यहाँ तक कि पारे तो उसने ये बात भी बोला कि खाना बना हुआ है खा लो, किंजल ने बोला, और यहाँ तक कि वनराज ने तो हाथ जोड़कर थाली सरकाने की भी कोशिश की, लेकिन खाना तो पड़ेगा। यहाँ काव्य के लिए बा एकदम इचॉर्ड है कि और खाओ, खाना कम मत खाओ क्योंकि बच्चे को नहीं लगेगा। तो कितनी बड़ी बात है, सब कोई कितना केयर करता है, तो कुछ अच्छा चीज़ दिखाए तो अच्छा लगता है। लेकिन हमको लगता है कि इसी हफ्ते में पाखी का सारा पोल अधिक का खुल जाएगा और हमेशा सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना था। एंड ऑल दीदीज आई लव यू टू, एंड अंजू मैम आई लव यू टू, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा, अच्छा ऑडियो था आपका और थोड़ा सा लंबा था, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख लीजिएगा। मगर इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आपने संस्कार के ऊपर बहुत कुछ कहा है, तो डेफिनेटली हम सब जो भी ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं, मगर उन्हीं संस्कारों के साथ साथ हमें सोसाइटीज मिलती हैं, हमें स्कूल मिलता है, हमें कॉलेज मिलता है, हम अपनी सोसाइटी अपने फ्रेंड्स खुद चूज करते हैं, वहीं पे हमारा असली टेस्ट होता है। अगर हम ये, जैसे कि आपने बार बार कहा है संस्कार डाल देने चाहिए थी, सिंगल मदर थी, संस्कार नहीं डाले, तो संस्कार का कोई इंजेक्शन नहीं होता है। संस्कार होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं। अब अनुपमा में कितने संस्कार हैं, आपने देखा इस जर्नी में अनुपमा के बच्चों ने कोई कसर छोड़ी है? आज समर ने भी अपना दिखा दिया पूरा का पूरा। तो ये संस्कार वाली अनुपमा के संस्कार वाले बच्चे भी अपने संस्कारों पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि संस्कार तो पेरेंट्स, हर कोई चाहता है अपने बच्चे में संस्कार बनना जो उनमें उनके पेरेंट्स ने भरे होते हैं, मगर आगे बच्चे की अपनी जर्नी भी होती है। रोमिल की मदर ने रोमिल के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होगा, जो हम रोमिल के कैरेक्टर से जान पाए हैं, उसने अपने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं होगा। संस्कार सिर्फ बोलने से या सिर्फ सिखाने से नहीं मिलते हैं, संस्कार देखने से, एक्शन जो पेरेंट्स के होते हैं उससे मिलते हैं। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, स्कूलों में भी बड़ा बड़ा लिखा होता है झूठ बोलना बुरी बात है, मगर जब हम खुद उनके सामने झूठ बोलते हैं, जा बेटा बाहर जाके बोल दे कि पापा घर पे नहीं है या मम्मी घर पे नहीं है, और मम्मी ही बोल रही कि जाके बोल दे कि मम्मी घर पे नहीं है, वहीं पे बच्चा ज्यादा पिकअप करता है कि ये क्या है। तो संस्कार इतना आसान वर्ड नहीं है, और इसको हम एक ही पर्सन पे थोप नहीं सकते कि पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए, क्योंकि हर बार पेरेंट्स पे उंगली उठती है कि परवरिश अच्छी नहीं हुई। तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर बच्चे की खुद की भी जर्नी होती है, खुद की भी चॉइस होती है। बच्चा जब छोटा होता है, जब वहां से ग्रो करता है, वहां पे 5 साल की एज तक, जितना मैं समझ पाई हूं इस एज को, उस एज तक बच्चा पेरेंट्स को देखता है, समझता है। जैसे ही वो स्कूल कॉलेज बाहर की सोसाइटी में जाता है तो बच्चे का अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड होना शुरू हो जाता है, तो वहीं पे असली इम्तिहान होता है सोसाइटी में। तो अगर हम कहते हैं कि संस्कार पेरेंट्स ने नहीं दिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा ही देखना चाहता है, तो मेरा ये कहना है। बाकी कुछ बच्चे होते हैं बदनसीब, जैसे कि रोमिल है, जिनको बच्चे सिर्फ बच्चे की तरह पैदा कर दिया जाता है, बाद में केयर नहीं किया जाता, तो वो भी बच्चे होते हैं।
ये मेरा कहना है आपके ऑडियो पे, क्योंकि मैंने संस्कार काफी बार सुना आपके ऑडियो में, तो इसलिए मेरा दिल किया कि आपके साथ तो सबके साथ ये बात शेयर करो। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर ऑडियो या वीडियो भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बने हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।